मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटीजर पर क्वेश्चंस। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब हुआ इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 प्लस माइनस 8। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब दूसरा स्टेप देखिए कि 15 का साइन क्या है, प्लस, और 8 का साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, प्लस माइनस का देखो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, तो बड़ा में से छोटा को माइनस किया जाता है। देखिए 15 बड़ा है तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 7। और यहां 7 के पहले साइन किसका होगा, तो साइन बड़ा वाला नंबर का होगा। बड़ा वाला का साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो यहाँ प्लस 7 लिखो या सिर्फ 7 लिखिए, बात सेम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -7 प्लस -23। इसका मतलब क्या हुआ कि -23 और -7 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक, किसको किसको, -7 को और -23 को। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। देखिए प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो गया, तो -7 और -23। अब हम क्या जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -7 -23 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुट जाएगा। तो -7 -23 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 23 को और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 7 30 हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐड किए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये 30 होगा। अब 30 का साइन क्या होगा, यहाँ तो साइन माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या देते हैं, माइनस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -493 और +289, इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक, तो माइनस है और प्लस है, तो हम क्या बताए कि प्लस माइनस रहने को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस किया जाता है। तो किस में से किसको, तो बड़ा में से छोटा को माइनस किया जाता है। बड़ा क्या है, 493 बड़ा है और 289 छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करते हैं, यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 4। 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, अब 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए माइनस प्लस था तो माइनस कर दिए, किस में से किसको माइनस किए, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस किए। अब साइन किसका लिखा जाएगा, यहाँ पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जो बड़ा नंबर का साइन है वही साइन, बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम। सम का मतलब जोड़ होता है, एडिशन होता है, हमको ऐड करना है किसको किसको, तो 137 एंड -354, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 137 प्लस -354 लिख दिए। अब यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए यहां माइनस कर दिए, जेम करके उतारा है ना दोनों, ये कहीं प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक, अब यहां 137 का साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, किस में से किसको माइनस करते हैं, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस किया जाता है। तो यहां बड़ा नंबर ये है 354 और छोटा है 137, तो 354 में से 137 को माइनस करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 217। माइनस करके देख लीजिए, यहां से अप्रोक्स में माइनस कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, बताइए, साइन होगा यहां पर माइनस। क्यों माइनस साइन होगा, क्योंकि साइन बड़ा नंबर का रखा जाता है, बड़ा नंबर का साइन माइनस है, इसलिए यहां भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -489 एंड -324 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। फाइंड सम, सम माने जोड़ना होता है। इस दोनों को किसको किसको, -489 को और -324 को जोड़ना है। ठीक, तो देखिए -489 प्लस -3
24 इसको ऐड कर रहे हैं, दोनों को इसको और इसको क्या कर दिए ऐड किए। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, देखिए माइनस हो गया ना। अब क्या हो गया माइनस 409 यहां भी है माइनस 324, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या करेंगे दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, रफ में ऐड कर लीजिएगा दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा 813 होगा, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या होता है, तो साइन माइनस ही रहता है, ठीक माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन क्या होगा माइनस, यहां माइनस साइन देना होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालना है किसका माइनस 57 का, तो देखिए माइनस 57 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस 57, यही आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि 206 का क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो 206 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस 206, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, घटाना है हमको, क्या घटाना है तो सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम माइनस 34, फ्रॉम मतलब से होता है, ठीक। तो किससे घटाना है तो माइनस 34 से 18 को घटाना है, ठीक। तो पहले किसको लिखेंगे माइनस 34 को, पहले माइनस 34 फिर माइनस, क्यों माइनस दिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कितना 18 को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 18, क्लियर। फिर देखिए कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है 18 को कहां से, तो फ्रॉम माइनस 34, तो पहले माइनस 34 लिखे क्योंकि इसी से माइनस करना है, तो माइनस 34 माइनस माइनस क्यों दिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कितना 18 को, ठीक है। अब देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब क्या कि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 52, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका देते हैं माइनस का, आंसर हो जाएगा माइनस 52, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट ही करना है, दूसरा क्वेश्चन कि माइनस 37 को सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, फ्रॉम माइनस 53, तो पहले किसको लिखेंगे माइनस 53 को पहले लिखे, माइनस 53 फिर माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कितना माइनस 37, माइनस 37 को माइनस करना है तो माइनस 37 को माइनस कर दिए, क्लियर। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों मिलकर के यहां प्लस 37 हो गया, देख रहे हैं, तो माइनस 53 प्लस 37, अब प्लस और माइनस रहता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, कैसे तो बार नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, तो बार नंबर 53 है तो 53 में से 37 को माइनस करेंगे तो 53 माइनस 37 कितना हो जाएगा 16। अब साइन किसका देते हैं तो साइन बड़ा नंबर का दिया जाता है, तो बड़ा नंबर क्या है ये माइनस है 53, इसका साइन माइनस है, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर एक बार आराम से इसको देखिएगा, और इसको भी बनाना है, पहले इसको बनाना है और बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम माइनस 34, मतलब क्या कि माइनस 34 से इस दोनों के सम मतलब जोड़ को घटाना है, माइनस 34 से घटाना है इस दोनों के जोड़ को, तो पहले क्या लिख दिया माइनस 34, माइनस 34 से माइनस करना है ना, किसको माइनस करना है तो इस दोनों के एडिशन को, किस दोनों के तो माइनस 1032 और 888 के एडिशन को माइनस 34 से माइनस कर रही ना कह रहा है, ठीक। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट को किया जाता है, तो दोनों ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस में से किसका माइनस, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, तो बड़ा नंबर 1032 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 154, ठीक माइनस कर लीजिएगा रफ में। अब ये साइन किसका देते हैं तो बड़ा नंबर का, तो बड़ा नंबर ही ना, इसका साइन माइनस है, यहां माइनस दे दिए, ठीक। ये माइनस 34 फिर माइनस माइनस 154 फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, देखिए प्लस दे दिए, ये माइनस 34 रहा, अब माइनस अब प्लस, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो किस में से किसको तो बड़ा नंबर में से
छोटा नंबर को माइनस करेंगे तो 154 में से 34 माइनस होगा तो कितना बचेगा 120। साइन किसका, साइन यहां बड़ा नंबर का था, बड़ा नंबर ये ना है, इसका साइन प्लस है, यहां क्या होगा प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, भरना है, ध्यान दीजिए दोनों तरफ ध्यान से देखिए, इधर माइनस 13 है, इधर भी माइनस 13 है, प्लस 27 है, इधर भी प्लस 27 है, प्लस माइनस 41 है, यहां प्लस माइनस 41 होना चाहिए ना, यहां क्या हो जाएगा माइनस 41 एंड दैट इज द आंसर, हो गया फिल इन द ब्लैंक। यहां देखिए सेकेंड में कि माइनस 60 माइनस, यहां क्या होगा कि आंसर माइनस 59 है, तो हम क्या जानते हैं कि माइनस 60 में प्लस 1 करेंगे तब ना माइनस 59 आएगा, अब प्लस 1 करने के लिए क्या करना होगा यहां माइनस 1, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि छोटा रूप में इसको लिखना है, ठीक, ये बड़ा सा इसको छोटा कर देना है, तो देखिए सोल्व करते हैं। देखिए पहले क्या है माइनस 13, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या है माइनस 25 है ना, फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 40, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो पहला ब्रैकेट में ये माइनस है ये प्लस है, हम क्या जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो किसमें से किससे, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करते हैं, तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, प्लस की माइनस, तो बड़ा नंबर का साइन प्लस है तो प्लस 14, ठीक। फिर प्लस यहां भी माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 15, प्लस की माइनस तो प्लस, ठीक। अब सब प्लस प्लस है तो प्लस है रहेगा, प्लस 14 लिखो चाहे सिर्फ 14 लिखो बात सेम है, प्लस है तो प्लस, प्लस 15 चाहे सिर्फ 15 बात सेम है, 14 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बराबर माइनस ए, बी बराबर माइनस 7, सी बराबर 6, मतलब ए का बी का और सी का मान दिया है, तब कर रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है क्या ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल होगा ये वेरीफाई करना है, हम क्या करते हैं कि LHS का वैल्यू निकालते हैं RHS का, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है मींस वेरीफाइड, क्लियर। तो LHS में देखिए क्या है माइनस, देखिए ए प्लस बी है ना ब्रैकेट में, तो ए के जगह रख दिया माइनस 8, प्लस बी के जगह माइनस 7, अब प्लस सी है तो सी के जगह 6, अब देखो ये माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, तो माइनस 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा माइनस 9। इसी तरह से RHS में भी ए बी सी का वैल्यू रखा हुआ है, ये भी कितना आया माइनस 9, अब दोनों इक्वल हो गया एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क बनाइएगा, ठीक।